कोरोना संकट काल के बाद आज दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो है शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आज करीब 10 महीने के बाद स्कूल खुल गए हैं। कोरोना के घटते संक्रमण और वैक्सीनेशन की शुरुआत के बीच एक बार फिर स्कूलों में बच्चों का पहुंचना शुरू हो चुका है और बोर्ड की परीक्षाओं से पहले राजधानी में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जा चुके हैं। जहां पहले दिन बच्चे स्कूल पहुंचे तो पुख्ता इंतजाम देखने को मिला। फिलहाल आपको बता दें कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा। और इस बीच शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कौटिल्य राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की परीक्षा और बोर्ड के प्रैक्टिकल के मद्देनजर स्कूल खोले गए हैं, अभी बाकी कक्षाएं खोलने पर विचार नहीं चल रहा है। बहुत मुश्किल का समय रहा है, पूरी दुनिया के लिए भी और बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल का समय रहा है, पर मुझे खुशी है कि स्थितियां अब नियंत्रण में आई हैं और अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, इसलिए पूरे स्कूल तो नहीं खुले हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बच्चों की थोड़ी तैयारी हो सके, उनके प्रैक्टिकल हो सके, उनके प्रोजेक्ट सबमिट हो सके, उनकी काउंसलिंग हो सके, क्योंकि अचानक एक साल से घर पर बैठे हुए बच्चे को आप परीक्षा हॉल में बैठा देंगे 4 मई को जाके, वो भी खराब होगा, उसके साथ अन्याय होगा, तो थोड़ा बहुत काउंसलिंग इनकी हो जाए, तो इसके लिए आज से 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खुले हैं। और उम्मीद करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर ये सब स्कूल हमारे चल जाएंगे, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट भी, तो धीरे धीरे चीजें बैक टू नॉर्मल होंगी और बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ी पटरी पाएगी। मुझे तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, स्कूल आते सर घर में ना बहुत बोर हो रहे थे सर, स्कूल आते ना सर मन कर रहा है 10th के बोर्ड आएंगे तो सर पढ़ाई करें। स्कूल में नहीं पहुंच आ रहे आप लोग, पीछे जा रहे हैं, घर पे कैसे पढ़ते थे? सर घर पे ऑनलाइन क्लास लेते थे सर, जू ऐप पे। सर बता दें चिंता रहती थी? हाँ सर बहुत चिंता रहती थी, घर बैठे सर थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता था, स्कूल आते ना सर और टीचर लोग सारे हमें सही समझा रहे सर।